नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, दूसरी लहर का कहर हल्का तो हुआ लेकिन अभी जुलाई तक नहीं होगा अंत। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ राज्यों में कमजोर पड़ती दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश के 9 राज्यों में अब तक मामलों में कमी आती दिख रही, इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे जबरदस्त प्रभावित राज्य भी हैं। लेकिन संक्रामक बीमारी के एक्सपर्ट शाहिद जमील का कहना है कि भले अभी केस कम हो दिखते हो, लेकिन दूसरी लहर का अंत होने में अभी कुछ महीने और लगेंगे। शाहिद जमील के मुताबिक जुलाई के अंत तक दूसरी लहर कभी अंत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में दूसरी लहर के प्रचंड प्रकोप के पीछे नए वेरिएंट भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इस बात के संकेत नहीं है कि ये ज्यादा घातक है। उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की है कि देश में दूसरी लहर में केस उतनी तेजी से कम भी नहीं होंगे जितने सामान्य तौर पर दूसरी या तीसरी लहर में होते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विवादित कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अदालत को सौंपी रिपोर्ट। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। दावा किया गया है कि 3 सदस्यों वाली कमेटी ने इस बाबत किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात करके अपनी रिपोर्ट बनाई है। बताया गया है कि इस रिपोर्ट में संसद द्वारा पारित की गए कृषि कानून की समीक्षा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था ताकि कोर्ट को 3 कृषि कानून पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि 3 कृषि कानूनों में कौन से प्रावधान किसानों के हित में हैं और कौन से प्रावधान किसानों को दिक्कत हो सकती है। कमेटी के गठन के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा था कि कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने से पहले और कोई भी फैसला लेने से पहले एक निष्पक्ष राय भी लेना चाहता है। इस कमेटी में कृषि के जानकार अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करके फैसला करेगी कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए या नहीं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, कृषि कानून को रद्द कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय वेरिएंट का विश्व में कोहराम। WHO ने कहा कि 44 देशों में हुई पुष्टि। जी हां, भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि भारत के कोरोना विस्फोट के पीछे COVID-19 का एक वेरिएंट है। ये वेरिएंट न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के दर्जनों देशों में पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि COVID-19 का B.1.617 वेरिएंट पहली बार भारत में अक्टूबर में पाया गया था। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि अभी 6 WHO में 44 देशों में ये वेरिएंट पाया गया है। ये वेरिएंट 5 देशों की रिपोर्ट में भी सामने आया है। WHO ने बताया है कि B.1.617 वेरिएंट मूल वायरस की तुलना में ज्यादा आसानी और तेजी से प्रसारित होता है, और यही वजह है कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले और इससे होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि WHO ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस वेरिएंट के प्रभाव को वैक्सीनेशन से कम किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्री LPG कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार बदलने जा रही है सब्सिडी के नियम। जी हां, अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री LPG गैस कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। उज्ज्वला स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी के स्ट्रक्चर में सरकार जल्द ही बदलाव कर सकती है। खबर के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय 2 नए स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है और इसको जल्द ही जारी किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार OMCS की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 1600 का एडवांस पेमेंट कंपनी एकमुश्त वसूलेगी। अभी OMCS एडवांस रकम EMI के रूप में वसूलती है, जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र के मुताबिक स्कीम पर बाकी 1600 की सब्सिडी सरकार देती रहेगी। यानी कि अब आपको 1600 रुपए EMI के तहत न देकर एडवांस देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ICMR की सलाह, जिन जिलों में संक्रमण दर 10% से अधिक है वहां 8 हफ्तों का लॉकडाउन जरूरी है। जी हां, भारत इस समय कोरोना की दूसरी लहर की बुरी तरह से जूझ रहा है। ऐसे में सभी राज्यों को इसके लेकर अलग अलग रणनीतियां अपना रहे हैं। देश की स्थिति जिलों में और राज्य में लॉकडाउन की स्थिति। इस बीच आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने सलाह दी है कि जिन भी जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 10% से अधिक है उन्हें 6 से 8 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। भार्गव ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण की दर 21% है और 734 में से 310 जिलों में ये दर देश में कोरोना संक्रमण की दर के या तो बराबर है
या उससे ज्यादा है। ये पूछे जाने पर क्या युवा आबादी ज्यादा प्रभावित हो रही है, ICMR के महानिदेशक ने कहा है कि COVID-19 की पहली और दूसरी लहर के आंकड़ों की तुलना में ये दिखाई देता है कि उम्र का ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग प्रतिकूल प्रभावों के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील हैं। डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हमने पाया है कि युवा लोग थोड़े ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि वो बाहर गए और देश में कोरोना वायरस के कुछ पहले से मौजूद वायरस भी हैं जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। भारत कोरोना वायरस संक्रमण की विकराल दूसरी लहर का सामना कर रहा है। हर दिन करीब औसतन 4 लाख मामले सामने आ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्री ध्यान दें, घर से फुल चार्ज करके निकले मोबाइल लैपटॉप ट्रेन में अब रात को नहीं मिलेगी चार्जिंग सुविधा। जी हाँ, ज्यादातर रेल यात्री ट्रेन में सफर होते ही अपने मोबाइल या लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा देते हैं। अगर आपको भी घर में मोबाइल लैपटॉप फुल चार्ज कर यात्रा पर निकलने के बजाय ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की आदत है तो अब इसे बदल डालिए। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब यात्री रात में सफर के दौरान अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप ट्रेन में चार्ज नहीं कर सकेंगे। रेलवे का कहना है कि ये फैसला ट्रेन में आगजनी और चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि अनहोनी से बचा जा सके। रेलवे के मुताबिक अब ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग के लिए टाइम टेबल तय कर दिया गया है, लिहाजा अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इससे रात में सफर के दौरान मोबाइल चोरी, मोबाइल फटने और आगजनी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। इस नियम को जल्द ही सभी ट्रेनों पर लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 प्लस वालों के लिए मई से 2 करोड़ खुराक खरीद सकते हैं, राज्य केंद्र ने तय किया कोटा। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच टीकाकरण तेजी पर है। हालांकि कई राज्यों ने दावा किया है कि उनके पास टीके हैं ही नहीं। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समक्ष राज्यों में वैक्सीन शेयरिंग का फार्मूला शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि राज्यों को 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए मई में केवल 2 करोड़ खुराक दी जाएगी। केंद्र के अनुसार मई महीने में वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक का उत्पादन हो सकता है। केंद्र ने कहा है कि वो राज्यों को दी जाने वाली खुराकों के लिए कोटा तय कर चुका है, इसे राज्यों को सीधे वैक्सीन निर्माता से खरीदने की जरूरत है। बीते हफ्ते केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि राज्य वैक्सीन निर्माता से सीधे टीके खरीद सकती हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन निर्माताओं से सलाह लेकर राज्य की आबादी के आधार पर 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोटा तय किया है। राज्य केवल तय मात्रा की डोज ही खरीद सकते हैं ताकि टीकों की उपलब्धता में कोई असमानता न हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून, इतने साल की होगी सजा। अब गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून, इतने साल की होगी सजा। जी हाँ, लव जिहाद को लेकर गुजरात सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि गुजरात सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करने वाली है। यदि इस विधेयक पर मोहर लगती है तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात ऐसा तीसरा राज्य होगा जिसने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है। गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है। लव जिहाद के बारे में जानकारी देते हुए गुजरात सरकार ने बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में संशोधन को बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसमें लव जिहाद से निपटने की मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति युवती के साथ धोखे से विवाह करके उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है तो उसे 5 साल की सजा होगी, साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि लड़की नाबालिग हुई तो उस केस में व्यक्ति को 7 साल की सजा होगी और 3 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। दोस्तों, लव जिहाद पर ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो जल्द बच्चों को भी लग सकेगी कोरोना का टीका, 2 से 18 आयु वर्ग पर ट्रायल की भारत बायोटेक को मिली मंजूरी। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तबाही जारी है। इस बीच महामारी की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है जिसमें सबसे अधिक बच्चों को संक्रमित होने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। एक विशेषज्ञ समिति ने 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की थी जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की थी कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी देनी चाहिए जो कि 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये परीक्षण दिल्ली व पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रिना चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। बता दें कि भारत में अभी तक जिन 2 कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों का 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को पर ही इनका क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लोगों को लगाई जा रही है। ऐसे में तीसरी लहर की चेतावनी से पहले बच्चों पर ट्रायल को मंजूरी देना बड़ा फैसला माना जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैकर्स ने इस बार उड़ाया 9.9 करोड़ भारतीयों का डाटा। देखे कहीं आपकी बैंक डिटेल भी तो नहीं है चोरी। जी हाँ, हैकर्स काफी समय से भारतीय इंटरनेट यूजर्स को अपना निशाना बनाते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इससे तेजी आई है। अब हैकर्स ने दावा किया है कि उन्होंने पेमेंट ऐप मोबिक्विक के करोड़ों भारतीय यूजर्स की गोपनीय
जानकारी उड़ा ली है। इस ऐप से हर दिन 10 लाख से ज्यादा लेन देन किए जाते हैं। मौजूदा समय में इस ऐप से 30 लाख से भी ज्यादा कारोबारी जुड़े हुए हैं। वहीं इसके उपभोक्ताओं की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा है। मोबिक्विक में सिकोया कैपिटल और बजाज फाइनेंस का बड़ा निवेश है। कंपनी का मुकाबला व्हाट्सएप पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के साथ है। कंपनी ने कहा है कि मोबिक्विक के सभी खाते तथा उनमें राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही कहा है कि सरकारी अधिकारियों को इस मामले की तत्काल गहराई से जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव काफी व्यापक हो सकता है और इससे वित्तीय धोखाधड़ी की जा सकती है। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।